वेल हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉलीवुड की टॉप 10 वेस्टर्न मूवीज, जिनमें आपको काउबॉयज, बाउंटी हंटर्स और साथ ही कुछ कमाल की स्टोरीज भी देखने मिलेंगी। ये सभी मूवीज आपके लिए हिंदी में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन उससे पहले, अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, जोना हेक्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में, एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपरमैन या बैटमैन की तरह ये भी एक डीसी कॉमिक्स पर बेस्ड एक सुपर हीरो मूवी है, जिसमें आपको डीसी कॉमिक्स का यह कैरेक्टर जोना हेक्स देखने मिलता है। मूवी में लीड रोल में आपको जॉश ब्रोलिन देखने मिल जाते हैं, एंड मूवी की स्टोरी पूरी तरह से जोना के बदले और दुनिया को एक खतरनाक अटैक से बचाने के अराउंड रिवॉल्व करती है। इतना ही नहीं, मूवी में आप जोना हेक्स को मुर्दा लोगों से बात करता भी देखेंगे, और मूवी में काफी खून खराबा भी आपको देखने मिल जाएगा। नंबर 9, अ मिलियन वेज टू डाई इन द वेस्ट। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2014 में, जिसमें लीड रोल में आपको लियाम नीसन एंड चार्लिज थेरॉन देखने मिल जाती हैं, और साथ ही ये एक आर रेटेड कॉमेडी वेस्टर्न मूवी भी है। मूवी की स्टोरी एक नॉर्मल किसान के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बस अपनी मौत को टालता रहता है। मूवी में आपको ऐसी फनी डेथ सीन देखने मिलेंगे, जिन्हें देखकर आपको काफी हंसी आएगी। लेकिन तभी अचानक उस फार्मर की लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है, जब एक बाउंटी हंटर उसकी जिंदगी में एंट्री लेता है। इस मूवी में भी आपको काफी वायलेंस और गन फाइट्स देखने जाती है, साथ ही मूवी की स्टोरी भी काफी अच्छी है। नंबर 8, डेस्परादो। ये मूवी रिलीज हुई थी 1995 में, एंड ये डायरेक्टर रॉबर्ट रोड्रिग्यूज की क्लासिक मेक्सिको ट्रायलॉजी का सेकंड पार्ट है, जिसके बाद हमें फाइनली वंस अपॉन अ टाइम इन मेक्सिको देखने मिली थी। एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें आप स्टोरी देखेंगे एल मरियाची नाम के एक म्यूजिशियन की, जो अपने गिटार केस में अपने हथियार लेकर घूमता है और बस किसी भी तरह अपनी गर्लफ्रेंड के कातिल के होश ठिकाने लगाना चाहता है। मूवी में आपको काफी खून खराबा देखने मिलेगा, एंड अनडाउटली ये मूवी अपनी स्टोरी और एक्शन दोनों के मामले में अपनी ट्रायलॉजी की बेस्ट मूवी भी है। नंबर 7, काउबॉयज एंड एलियंस। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2011 में, इसमें लीड रोल में आपको देखने मिलेंगे जेम्स बॉन्ड वाले डेनियल क्रेग, और साथ ही हमारे चहीते इंडियाना जोन्स हैरिसन फोर्ड। एंड जैसा कि मूवी का नाम है, ये एक वेस्टर्न मूवी होने के साथ साथ एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी भी है। मूवी की स्टोरी मेक्सिको के एक गाँव के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसे कुछ काउबॉयज आसपास के लुटेरों से डिफेंड करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उन पर कुछ एलियंस का हमला हो जाता है। अब वो काउबॉयज दुनिया के इस बाहरी हमले का सामना कैसे करते हैं, जानने के लिए मूवी एक बार जरूर देखें। नंबर 6, द लोन रेंजर। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में, जिसमें लीड रोल में आपको देखने मिलते हैं जॉनी डेप अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिक अवतार में। ये मूवी डिज्नी के अंडर बनी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवी है, जो हमें कहानी दिखाती है एक रेंजर की, जिसकी पूरी टीम को मूवी के विलन द्वारा मार दिया जाता है, और उसकी जान कैसे ना कैसे जॉनी डेप बचा लेते हैं। अब ये दोनों साथ मिलकर उन बुरे लोगों को उनके कर्मों का हिसाब देने के मिशन पर है। मूवी में आपको जॉनी डेप का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आएगा, जिसे जॉनी डेप ने पूरी तरह से किल करा है। साथ ही मूवी की स्टोरी भी काफी अच्छी है, एंड इसे आपको एक ट्राई तो देना ही चाहिए। नंबर 5, 310 टू यूमा। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2007 में, जिसमें आपको लीड रोल में देखने मिलते हैं रसल क्रो और साथ ही क्रिश्चियन बेल भी। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें बेल ने एक आम नागरिक का रोल प्ले किया है, और रसल क्रो ने एक खूंखार डाकू का, जिस पर सरकार द्वारा काफी बड़ा इनाम रखा गया है। मूवी में बेल अपने बेटे की नजरों में हीरो बनने के लिए रसल क्रो को बंदी बनाकर एक ट्रेन से सरकार को सौंपने जाते मिलेंगे, लेकिन उनका यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि रसल क्रो की पूरी गैंग उन्हें बचाने आ चुकी है। मूवी में आपको एक कमाल के सफर एडवेंचर देखने मिल जाता है, साथ ही जब दो इतने लेजेंडरी एक्टर्स एक साथ स्क्रीन पर देखने मिले तो आखिर उसे मिस करना कौन ही चाहेगा। नंबर 4, ट्रू ग्रिट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में, एंड इसमें आपको दो नहीं बल्कि तीन कमाल के एक्टर्स देखने मिलने वाले हैं। मूवी में लीड रोल में आपको जेट ब्रिजेस और मैट डेमन्स देखने मिलेंगे, साथ ही जॉश ब्रोलिन भी आपको इस मूवी में विलन के तौर पर नजर आएंगे। मूवी की स्टोरी एक छोटी सी बच्ची के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए एक खतरनाक बाउंटी हंटर हायर करती है, और ये दोनों साथ उस किलर को मारने निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में उन्हें एक मार्शल भी मिलता है, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है इन तीनों के एक खतरों से भरा एडवेंचर। मूवी में इमोशन से लेकर स्टोरी तक सब कुछ लाजवाब है, जिसे आपको गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 3, द मैग्निफिसेंट 7। ये मूवी इस लिस्ट की मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में, एंड इस मूवी में आपको डेंजल वॉशिंगटन और इथन हॉक जैसे टैलेंटेड एक्टर्स देखने मिलते हैं, और साथ ही हमारे गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वाले क्रिस प्रैट भी। इस मूवी में आपको सात कमाल के काउबॉयज और बाउंटी हंटर्स की टीम देखने मिलेगी, जो एक गांव को कुछ बुरे लोगों से डिफेंड करते हैं। एंड जैसे मूवी की स्टार्टिंग में ये सब पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं, वहीं क्लाइमेक्स तक पहुंचते-पहुंचते ये फाइट पैसों से काफी आगे निकल जाती है। मूवी में आपको एक शानदार स्टोरी देखने मिलेगी, जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। साथ ही मूवी में एक्शन और इमोशन भी काफी अलग लेवल पर है, जिन्हें आपको जरूर से देखना ही चाहिए।
नंबर 2 रेंगो, ये एक एनिमेटेड वेस्टर्न मूवी है जिसे रिलीज किया गया था 2011 में। एंड इस मूवी में रेंगो के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है खुद जॉनी डेप ने। मूवी की स्टोरी रेंगो नाम के कैमेलियन के अराउंड रिवॉल्व करती है जो एक गांव में फंस जाता है और वहां हीरो बनने के लिए खुद को वहां का शेरिफ बताता है। इतना ही नहीं, उस गांव में बस किसी चीज की कमी है तो वो है पानी की। एंड हीरो बनने के चक्कर में रेंगो उनके पानी को ढूंढने का केस भी अपने हाथों में ले लेता है। अब शेरिफ की मुसीबतों से अनजान रेंगो कैसे अपनी ओर बढ़ रहे खतरों का सामना करेगा, ये जानकर आपको काफी मजा आएगा। इसके लिए आपको इस मूवी को एक बार देखना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, मूवी में रेंगो कैरेक्टर को देखते वक्त आपको जॉनी डेप का कैप्टन जैक स्पैरो वाला कैरेक्टर भी याद आ जाएगा। एंड फाइनली नंबर 1, जेंगो अनचेंज्ड। ये मूवी अनडाउटली 21st सेंचुरी की काउबॉयज और वेस्टर्न जॉनरा वाली बेस्ट मूवी है, जिसमें आपको लीड रोल्स में देखने मिलते हैं जेमी फॉक्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो और साथ ही सैमुअल एल जैक्सन भी। ये मूवी जेंगो नाम के एक स्लेव के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसे उसका मालिक अपनी बीवी से अलग कर देता है। अब जहां जेंगो को अपनी वाइफ की तलाश होती है, वहीं एक बाउंटी हंटर को भी किसी की तलाश है जिसकी लोकेशन सिर्फ जेंगो जानता है। अब कैसे ये दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करते हैं और क्या प्लानिंग बनाकर अपने अपने मकसद पूरे करते हैं, जानने के लिए इस मूवी को एक ट्राई देकर जरूर देखें। इस मूवी को IMDb पर 8.4 की जायंट रेटिंग मिली है, जिसे आपको गलती से भी मिस करने की सोचना भी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज के जॉनरा की टॉप 10 लिस्ट। एंड आशा करते हैं आपको हमारी ये लिस्ट पसंद आई हो। इनमें से कौन सी मूवी आपकी पर्सनल फेवरेट है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड अगर हमारी ये वीडियो आपको ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके ग्रे कर दें और साथ ही उसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके उसे भी ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम का चैनल तो डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है तो उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। और बाकी हमारा इंस्टा अकाउंट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो चाहे तो आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।